केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन होना तय है। भाजपा सभी 21 लोकसभा सीटें जीत रही है और राज्य में भी सत्ता परिवर्तन होगा। भाजपा की पहली बार उड़ीसा में सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले 24 साल से यहां सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन्होंने लोगों को निराश किया है। मैं पिछले 2 महीने में संबलपुर लोकसभा को और उड़ीसा के अनेक जिले में सघन रूप में दौरा किया है। मेरा जितना राजनीतिक अनुभव है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सहमत हूं। उड़ीसा एक नया पन की ओर बढ़ रहा है। उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन होना तय है। लोकसभा तो 21 का 21 बीजेपी जीतेगा ही, लेकिन उड़ीसा में भी सत्ता परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार की सरकार बनेगा, क्योंकि पिछले 24 साल में जो सत्ता में लोग जो बैठे हैं, जिनको लोगों ने भरोसा करके लंबे समय तक सत्ता दिया, उन्होंने लोगों को निराश किया है। पीने की पानी नहीं है, खेत में खेती के लिए पानी नहीं है, शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एक तिहाई लोग घर छोड़ के बाहर चले गए हैं। आखिर उसकी उत्तर कौन देगा? आज उत्तर राज्य सरकार के पास नहीं है, नवीन बाबू के पास नहीं है। नवीन बाबू तो और एक कदम आगे चले गए। लोग पहले भाषण देने के लिए माइक को किराए में लेते थे, अभी तो भाषण देने वालों को उन्होंने किराए में ले लिया, लीडरशिप को आउटसोर्स कर दिया। ये उड़िया लोगों को ये मंजूर नहीं है।